कुछ भी नहीं पाते, निर्जला रखते। ऐसे अनेक जीव है हर एकादशी निर्जला रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में छूट है गृहस्थियों के लिए, कलयुग के जीवों के लिए, कि भाई निर्जला नहीं रख सकते। तो जलाहार फलाहार कोई प्रकार का पंचगव्य जो रस है, पांच प्रकार के दूध दही घी अनेक प्रकार के जो सात्विक आहार है वो ग्रहण करना चाहिए एकादशी को। उपवास का बहुत सारे खाने के सुंदर सुंदर पदार्थ संसार में है, एकादशी को भोजन करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा आज प्रसाद नहीं है, आज उपवास है। तो चेले ने कहा कि भैया ठीक है उपवास तो करा दो गुरु जी, लेकिन आप द्वादशी को मेरा मुंह नहीं देख पाओगे, द्वादशी को मेरा मुंह नहीं देख पाओगे क्योंकि आज तक उपवास नहीं किया, द्वादशी तक तो मैं लुढ़क ही जाऊंगा। तो गुरु जी हंसने लगे, अरे ऐसे कैसे बात कर रहा है, बोले सच कह रहा हूँ गुरु जी, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत निवेदन किया, गुरु जी कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो व्यवस्था होगा। बोले एक काम कर, ठीक है तू अगर नहीं रह सकता है, भीम का ही भाई है, तो ठीक है तेरे लिए थोड़ा अनाज दे देते, लेकिन एक काम जरूर करना, ठाकुर जी को भोग लगा के खाना। क्या करना? बनाने के बाद, पकाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगा के खाना। क्यों कहा गुरु जी ने ठाकुर जी को भोग लगा के खाना? क्योंकि हमारे सभी प्रामाणिक ग्रंथों में, गीता में, भागवत में लिखा हुआ है कि जो बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है। क्या खाता है? पाप खाता है, वो चोर है। गीता में भी भगवान कहते हैं और अनेक अनेक प्रकार से इन प्रामाणिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, भागवत इत्यादि में। जो भी भगवान को भोग नहीं लगाता पाप खाता है और चोर है। तो गुरुजन यहाँ क्या संदेश दे रहे कि आप में से, हम में से बहुत जन जो पकाते पकाते खा ले रहे वो पाप खा रहे हैं और क्या है, चोर है। क्यों कह रहे से भगवान? क्योंकि सारी चीजें भगवान की है, सारी चीजें भगवान ने हमें दी है और हम भगवान को देने के बदले खुद ही खा लेते हैं। भगवान को दिए बगैर सब खुद ही भोग लेते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये महापापी है और चोर है, ये नरक गामी होगा। क्या होगा? नरक गामी होगा। तो जो लोग भी भोग नहीं लगाते हैं अपने अपने घरों में, आज मेरा निवेदन इस भागवत कथा के माध्यम से, संतों के वचनों के माध्यम से, कि आप सब जरूर जो भी घर में पकाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पूरी भाजी तरकारी दूध दही माखन मिश्री, भगवान को भोग लगाइए तुलसी देख के और फिर खाइए, तो खाना नहीं प्रसाद होगा, वो पाप नहीं वो अमृत होगा। भगवान का नाम लेके ताली बजाए तो अच्छा है, ये भी सीखना चाहिए। ताली कहाँ बजता है? नेता जी आते हैं ना, ताली बजता है, नेता जी खुश। क्या भगवान को प्रसन्न करना है? किंतु तो बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान को सुनोगे, कौन पुकार रहा है मुझे? आंख बड़ा बड़ा करके देखेंगे, हाथ बड़ा बड़ा करके बुलाएंगे, आओ आओ आओ, देखे है कि नहीं। तो ऐसे सीखना चाहिए, हम सीखते नहीं, हम शब्दों को सुनते नहीं, हम पीते नहीं, निकल जाता है इधर से, कथाएं चलते रहती है। भगवान के शरण आया है वो जानते हैं, सभी जीव भगवान के शाश्वत अंश है, जीव और भगवान शाश्वत है दोनों, जीव भी शाश्वत है भगवान भी शाश्वत है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, बेटा भगवान को भोग लगाना। और अपने चेले चपाटियों को कहा भाई इसको इसके खुराक के हिसाब से कढ़ाई से आटा चावल दाल सब्जी दे दो, अपना पका लेगा, भगवान को भोग बना के खा लेगा।
अब बढ़िया बनाया उसने अपने हिसाब से, जब अपने हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं ना बहुत आनंद होता है, और बना के कोई देते हैं ना तो हर चीज कम ही लगती है, कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्ची कम, कभी ठंडा हो जाता है, कभी स्वाद नहीं रहता है, और इसके लिए गृहस्थी में रोज ठंडन होता है ना, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, क्या बनाया है, कितना नमक डाल दिया, क्या बनाया, कितना मिर्ची डाल दिया, लेकिन अपने हाथ का जब बनाते हैं कैसा भी रहेगा प्लेट को उल्टा करके खाएंगे, फिर प्लेट को उल्टा कर करके खाएंगे, तो बनाया बड़े प्रेम से और बन गया तो भगवान के पास गया, ठाकुर जी के पास, राम सीता राम लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी, भोग लगाया, आओ राम जी, आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी, जैसे हम लोग गाते हैं ना, हम लोग क्या गाते, भोग लगाते, वहां प्रसाद गोविंद ये बोल के लगाते, क्या बोलते हैं, भोग लगाओ राम जी, और इतने भाव से प्रेम से गुरु जी ने कहा था भाव से प्रेम से लगाना, और बेचारा भोला राम तो था ही, भगवान प्रकट हुए उसके सामने, क्या हुए, भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होके भगवान परम आनंद का जो विग्रह था भगवान प्रकट हुए, एकदम मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित आनंद से, और सुंदर भगवान का रूप छवि मोहित हो गया ये भक्त, लेकिन थोड़े देर के बाद जब नजर इधर घूमी बाई तरफ दुखी हो गया, थोड़े देर नजर घूमी राम जी तक था तो ठीक था, ऐसे घूमा सीता जी खड़ी थी बगल में, राम जी तो अकेले था, मर्यादा पुरुषोत्तम में सीता जी को देखा एकदम चेहरा काला पड़ गया, राम जी हंसने लगे, जान गए क्या हुआ, पूछे क्या हुआ बच्चा, बोले प्रभु आपको बुलाया था, एक और महाराज को लेके आ गए, अब मुझे क्या मिलेगा, आप दोनों ही पाल होंगे, मुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा, राम जी बड़े प्रसन्न हुए, सीता जी भी हंस रही थी, ये कैसा भाई, बड़े बेचारा आधा अधूरा मन से मने ढंग से बोले अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ, अभी गुरु जी की कथा में सुना हो कि आए हुए को भगाना नहीं चाहिए, उसी में कुछ ना कुछ एडजस्ट करके पा लेना चाहिए, तो अब आ ही गए हो लेकिन ये अच्छा नहीं है, बिना बुलाए लेके आ गए, आपको बुलाया ना, आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी, अब तो लेके आ गए इनके भी, अब मुझे क्या मिलेगा, पहला दो हिस्सा तो मैं मान के चला था ठीक है, अब तीन हिस्सा हो जाएगा, भूखा ही रह जाऊंगा, एकादशी हो जाएगा, फिर भी मन को मार के प्रसाद भगवान को दिया और खिलाया भगवान को पहले, और कहा जो भी है आपको देख के आनंद बड़ा हो रहा है, ये जो कष्ट हुआ था हृदय में कि भूखा रह जाऊंगा थोड़ा कम हो रहा है आपको देख के, तो अगली बार जब बुलाऊंगा तो अकेले ही आइएगा, अगली बार किसी को मत लाइएगा, राम जी ने कहा ठीक है भाई, राम जी वहां से प्रसाद दिया और जाने लगे, तो राम जी को निवेदन किया जगन्नाथ स्वामी की जय, कि फिर जब मैं अगले एकादशी को भोग लगाऊंगा तो जरूर आइएगा, राम जी ने कहा आऊंगा, फिर 11वें दिन 15 दिन के बाद एकादशी आई, और गुरु जी ने कहा कि भाई आज एकादशी है, प्रसाद नहीं बनेगा, इसको दे दो जो इसका खुराक है, ये भक्त ने ये नहीं बताया कि राम और सीता जी आए थे गुरु जी को, उसको क्या लगा कि यही परंपरा रहेगा, भोग लगाने पे भगवान आते रहे, इसलिए गुरु जी को ये बात नहीं बताया उसको, और एकादशी आई फिर से उतना सामान मिल गया अनाज, उसको भोग लगाया और गाना शुरू किया, आओ राम जी भोग लगाओ राम, इस बार राम जी राम और सीता लक्ष्मण के साथ आ गए, अब तो इसका है ना रंग एकदम गोरा से काला हो गया, क्या हो गया, जो लाल लाल एकदम
चमकता हुआ चेहरा था, काला हो गया एकदम। और राम जी बड़े हंस रहे, राम जी और सीता जी भी हंस रही एकदम, उसका हालत देख के, उसकी जो दशा थी ना वो देख के। और लक्ष्मण जी तो रहते भी ऐसे है ना, लक्ष्मण जी तो हंसते वसते नहीं है, तीर और कमान चढ़ा ही रहता है, कौन जाएगा उसका काम करूं मैं। तो लक्ष्मण जी को देख के उसको आनंद भी नहीं हो रहा था, राम सीता जी को देख के तो आनंद होता है हो रहा था उसको, लक्ष्मण जी को देख के अच्छा भी नहीं लग रहा था। और उसने माथा कूट लिया कि भाई अब तीन आज तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और उसने राम जी को पूछ ही दिया, भाई राम जी आपको मना किया था फिर भी आप माने नहीं, चलो पहली बार तो मैंने मना नहीं किया था, लेके आए गए चल गए, उसके बाद तो मैंने आपको निवेदन किया था, मना किया था कि भाई और किसी को मत लाइएगा, अभी आप किसको लेके आए। बोले मेरा छोटा भाई ये साथ में ही रहता है, कभी कभी कुछ जरूरी काम से इधर उधर जाता इसलिए नहीं आ पाया था उस दिन। बड़े बेचारा परेशान हो गए, बड़ा अपना मन को मार के, अपने कैसे भी समझा के अपने आप को उसने तीन थाली लगाया और चौथा थाली अपने लिए लगाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भोग थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने खाया और राम जी को कहा, राम जी आपको देख के बड़ा आनंद होता है, इसलिए लोग खा लिया इसका दुख भी नहीं होता है, आप जरूर आइएगा, जब भी मैं भोग लगाऊंगा आपको बुलाऊंगा, आपको देख के मुझे बहुत आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है, ये सब जो आपके साथ संकट के रूप में आते भूल जाता हूँ। राम जी ने कहा ठीक है, राम जी बड़े हंस रहे कैसा जीव है ये। फिर एकादशी आई और इस बार राम जी पूरे राम दरबार के साथ आ गए, जब भोग लगाया तो राम दरबार के साथ आ गए। राम दरबार मतलब सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान सब आ गए। अब क्या करेगा, तो उसने इस बार एक उपाय सोचा था, ये राम जी तो शायद मानेंगे नहीं, पहली बार अकेला बुलाया था दो आ गए, फिर मना किया तीन आ गए, इस बार शायद कुछ और चालाकी करें, ये दिखते तो सरल है लेकिन चालाक है, पूरे परिवार को ला रहे खाने के लिए और मेरा खा रहे। तो इस बार उसने क्या किया था, अनाज लिया था गुरु जी से और डबल लिया था, लेकिन पकाया नहीं था, कच्चा ही अनाज को भोग में पकाया था कि देख लूंगा कितने आते उसके बाद पकाऊंगा। तो देखा पूरा परिवार आ गया, राम दरबार आ गया, तो राम जी ने कहा भोग किधर है, सब तो कच्चा सामान रखा है ना। बोले भैया मुझे मालूम था आप कुछ आज दया करने वाले हो, इसलिए मैं भी आज आपके लिए यही भोग लगा रहा हूँ, अगर आपको भोग पाना है तो पूरा परिवार लेके आओ, पका लो और पालो, मैं भी पालू। राम जी बड़े प्रसन्न हुए उसके इस भोलेपन से और इशारा किया सीता जी की तरफ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान की तरफ, और बार बार हनुमान को देखता था, किसको देखता था, हनुमान को, क्यों देखता था, हनुमान जी को 15 फुट थे, एक बार हनुमान को देखता था एक बार अनाज को देखता था, बोलता है ये 4-5 तो ठीक है, ये 15 फुट वाला तो इतनी बार में काट गया। बड़ा दुखी बेचारा, बहुत दुखी, बोला आप ही पकाओ आप ही भोग लगाओ आप ही पाओ, आज तो आपके ऊपर ही है। राम जी हंस के एकदम लोट पोट हो गए, बहुत आनंद हुआ राम जी को, सच्चा भक्त है। राम जी ने कहा बना भाई भोग लगा, पाया उसको भी खिलाया अच्छे से, भगवान जिसको खिलाएंगे भूखा रहता है क्या, जी भगवान के दर्शन मात्र तृप्त हो जाते, वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, एक टुकड़ा खा लेगा तो तृप्त हो जाएगा, है कि नहीं। आपने द्रौपदी की कथा सुनी होगी, भगवान ने एक साख का एक कोने का पत्ता वो भी धुले हुए बर्तन में से खाया, हजारों हजार भक्तों के पेट भर गए थे,
हजारों हजार भक्तों के पेट भर गए। दुर्वासा मुनि घबरा गए थे, अब क्या खाओगा वहां पे, भागवतम की कथा है। तो भगवान के हाथ से दर्शन से अगर कोई जीव खा ले, जीवन सफल हो जाता है, भोग पाए। और फिर क्या हुआ, वहां से जाने लग गए। लेकिन गुरु जी को शक हुआ, भाई ये इतना अनाज आज ज्यादा लिया है, ये क्या करेगा। तो गुरु जी ने कहा छुप के देखता हूँ, कोई और पेटू महाराज को नहीं बुलाया, छुप छुप के एकादशी को खाता होगा या खुद ही एकादशी को द्वादशी से ज्यादा खाता होगा। तो गुरु महाराज ये सब देख रहे थे आश्रम के एक वृक्ष के ओट से छुप के। लेकिन गुरु महाराज को आवाज आ रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि भगवान अपने दिव्य स्वरूप में आए थे। सिर्फ चेले को भगवान और राम दरबार दिख रहे थे, गुरु जी को नहीं दिख रहा था। तो चेले ने गुरु जी को कहा, गुरु जी देखिए आज भगवान आपसे प्रसन्न होके पूरा राम दरबार आपके आश्रम में आए हैं। गुरु जी ने कहा मुझे तो कोई नहीं दिख रहा चेला, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, तुझे कहाँ दिख रहा है, तुझे कहाँ दिख रहा है। बोले देखिए सब खड़े हैं यहाँ पे। तो उन्होंने निवेदन किया राम जी से कि राम जी मेरे गुरु महाराज है, मुझे इन्होंने आपके नाम का जप करना सिखाया, सेवा करना सिखाया है। जब संसार ने मुझे धक्का मार दिया था तो इन्होंने हमें अपनाया है, इन्होंने हमें एक जानवर से अच्छा भक्त बनाया है। मेरे गुरु में हजार हजार गुण है, हजार हजार एक पंडित है, विद्वान है, अनेक प्रकार से प्रशंसा करने लग गया उनका। राम जी ने कहा, क्या कहा राम जी ने, मैं जानता हूँ बेटा तेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बड़े ऊंचे संत हैं, बहुत ज्ञानी है, पंडित है, महात्मा है, वैष्णव है, लेकिन तेरे तरह नहीं है। क्या कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कहा, तेरी तरह नहीं है। बोले क्या मतलब, बोले तू जितना सरल है ना, तू जितना सच्चा है, तेरे गुरु जी वैसे नहीं है। तेरे गुरु जी अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, लेकिन आज अनेक अनेक महात्मा है, बड़े बड़े पद पदवियां हैं, बड़े बड़े मठ मंदिर है, भगवान प्रकट नहीं हो रहे। क्यों है, सुना आपने पिछले 100 साल में भगवान प्रकट हुए, शरीर जैसे ध्रुव के लिए हुए थे, प्रहलाद के लिए हुए थे, सुना क्या, नहीं हुए, क्योंकि अब सरलता नहीं है। क्या है, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। तो राम जी अपने चौपाई में क्या कह रहे, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, छल कपट चित्र मोहे न भावा। भगवान को सरल जीव चाहिए, कैसा चाहिए, सरल, अंदर बाहर से सरल होना चाहिए। सरल का मतलब क्या है, कि हमेशा वो सच बोले, क्या बोले, सच बोले, झूठ सपने में भी ना बोले। और मैंने कहा झूठ सभी पापों की जननी है, यहाँ से सभी प्रकार के 4 प्रकार के पाप शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भागवतम क्या शिक्षा दे रहे हैं, कि हमें सरल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, जीव को सरल होके अंदर बाहर से शुद्ध होके सच्चा होके इस रस को पीना पड़ेगा, इस रस को पीना पड़ेगा। नहीं तो भागवतम सुन रहे और फिर कथा प्रपंच चल रही है, वही के वही। इसको हाथी का स्नान मानिएगा, क्या मानिएगा, हाथी का स्नान, बस और इससे आगे कुछ नहीं, चलता रहेगा, पाप और पुण्य होते रहेंगे, कुछ अच्छा कर्म किया पुण्य हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।
हरे राम, राम राम हरे हरे। तो भागवतम की भूमिका में मैं कह रहा था कि सरल बन के भागवत सुनना चाहिए, भागवत पीना चाहिए, और सरल मतलब क्या, सच्चा है ना, जैसे बाहर है वैसे अंदर, जैसे अंदर है वैसे बाहर। और सब लोग अपने अपने बारे में जानते हैं, गुरु जी ने कैसे पैर पकड़ के रोया और भगवान तुरंत अपना लिया। ऐसे अगर आज भगवान को पैर पकड़ेंगे कि अब अंदर बाहर से मैं एक जैसा बनूंगा, भगवान अपना लेंगे, कृपा हो जाएगी भगवान का, और अंदर कुछ बाहर कुछ रहेंगे, बस कथा चलते रहेगी, जीवन भी चलता रहेगा, बार 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 माँ का घर बदलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, पाप और पुण्य का महाखेल चलता रहेगा। तो हम लोग भागवत के महात्म में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञान त्रिवान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वरूपं वदामय ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पद्रुमेश कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगं ते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतकृष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गोब्रह्महिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युर्नमामः। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्लादे जय परमुखं परमप्रियं। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तपारभक्ताख्यं नमामि भक्तसत्त्विकम्। नित्यानन्दमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायते
कलो कर्म सनासाय जानवे पतिये नमः। नमो महामदन्ये कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिंसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जो इस कथा के जो यजमान है श्री श्री राधादास बिहारी जी, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए, याचना करते हुए कि यहाँ पे आप विराजिए, विराजमान है और हमारे ऊपर कृपा करिए ताकि इस 9 दिवसीय आयोजन को सुंदर तरीके से किया जा सके और सभी भक्तों के हृदय में आपके नाम का बीज और लता पता अंकुरित हो, फले फूले और वो आपके शरणागत होकर प्रेममय सेवा में लगे। यही भाव जगन्नाथ जी के चरणों में प्रकट कर देंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी यहाँ पे विराजमान है और यहाँ के भक्तों के द्वारा ये जो CSHS फाउंडेशन है, कांग्रेगेशनल सोसाइटी फॉर हरिनाम संकीर्तन फाउंडेशन है, उनके भक्तों के द्वारा हर दिन सेवा होती है सुबह और शाम को। तो जगन्नाथ जी के चरणों में मेरा निवेदन कि हम सभी भक्तों पर कृपा करें। यहाँ पर उपस्थित अनेक अनेक जो दिव्य रूप से दिव्य शरीर से उपस्थित है अनेक अनेक देवी देवता, हनुमान जी महाराज, शिव जी, अनेक अनेक देवी देवता, तुलसी महारानी, लड्डू गोपाल जी, पंचतत्व जी, राधा माधव जी और ब्रजवासी भक्त आए हैं इस बार संकीर्तन भजन के लिए। ब्रजवासी भक्तों के चरणों में भी बार बार प्रणाम है।